नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, तो चलिए बनाते हैं। आज मैं आपके साथ अमला मुरब्बा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अमला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, आयरन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हमें किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर खानी चाहिए आंवला। और आंवला का मुरब्बा हम बना कर रख ले तो हम इसे साल भर खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आंवला का मुरब्बा। तो मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1/2 kg आंवला। इसे रात भर पानी में भिगो कर रख दिए थे और सुबह छान कर अच्छी तरह कपड़ा से पोंछ कर ले लिए हैं। और चीनी लिए हैं 600 ग्राम, काली मिर्च 10-12 पीस, हरी इलायची 6-7 पीस, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ लिए हैं और नमक 1 छोटी चम्मच। तो चलिए सबसे पहले इन आमलों को हमें पिक करना होगा। एक काटा की सहायता से इसे इस तरह से प्रेस देते हुए करेंगे, हाथ बचा कर करेंगे आराम से, नहीं तो हाथ में लग सकता है। इसी तरह चारों तरफ घुमा घुमा कर गूंदेंगे इसे, ताकि हम चाशनी में पकाए तो इसके अंदर तक जाए चाशनी। तो सारे आमलों को इसी तरह से गोंद लेते हैं पहले। तो मैंने सारे आमला गोंद कर तैयार कर लिए। अब जो काली मिर्च, सौंफ और हरी इलायची लिए हैं इसे कूट लेते हैं। तो अब चलिए गैस की तरफ इसे पकाने के लिए। तो गैस ऑन करके एक स्टील का बर्तन इस पर रख लिए हैं और इसमें इतना पानी डालेंगे कि आमला डूब जाए इसमें, और इसे पहले उबलने देंगे ढककर। तो पानी उबल चुका है, अब इसमें हम आमला डालते हैं। अब पानी में फिर से उबाल आने देंगे, इसे ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए पानी में। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है, अब गैस बंद कर देते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाने हैं इसे उबलते हुए पानी में, और ढककर फिर से 15 से 20 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि इसी गर्म पानी में आंवला सॉफ्ट भी हो जाए और फूटे भी ना। यदि हम और पकाते गैस पर इसे तो ये फूट जाता, इनमें पानी भर जाता, तो बाद में हम चाशनी में पकाते हैं हम लोग को तो इनमें से भी पानी छूटता, तो हमें समय भी बहुत लगता मुरब्बा पकाने में। और जब हम मुरब्बा तैयार करके बोतल में या किसी जार में भरते तो उनमें भी पानी छूटता रहता है मुरब्बा के अंदर से, तो मुरब्बा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। और इस तरह से बनाएंगे तो मुरब्बे बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम इन्हें कोई जाली की सहायता से इसे छान लेते हैं। अब हम इन्हें चाशनी में पकाएंगे, तो कोई स्टील अथवा नॉनस्टिक का बर्तन लेंगे, लोहे और अल्मीनियम का बर्तन में बिल्कुल नहीं इसे पकाएंगे, नहीं तो मुरब्बा बिगड़ जाते हैं। तो अब हम ये पैन में चीनी डालकर और ये आमला डालकर और 3-4 चम्मच पानी डालेंगे इसमें, और लो फ्लेम पर पहले घुलने देंगे चीनी को। अब एक पैचुला की सहायता से इसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी नीचे बैठ जाएगी क्योंकि अभी घुली नहीं है पानी में चीनी। तो इसी तरह से चलाते हुए पहले चीनी को पानी में घुलने देंगे। तो देखिए पानी में चीनी घुल चुकी है। अब इसी चाशनी में लो फ्लेम पर ही इसे ढककर और बीच बीच में चलाते हुए इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में चला लिए थे, अब चेक करते हैं मुरब्बा को।
कैसा बना है? तो देखिए इस तरह का हुआ है। अभी अभी और 5 मिनट पकाएंगे। अब इसमें मसाला जो हम कूट के रखे हैं और नमक डाल लेंगे इसमें। और इसे मिलाकर फिर से ढक लेते हैं, 5 मिनट पकाएंगे। और तो फिर से 5-7 मिनट पका लिए हैं मुरब्बा को। देखिए अब कलर भी चेंज हो गया है मुरब्बा का। अब चेक करते हैं इसे कैसा है, पका है कि नहीं अंदर से। तो हाथों से छूने से तो गर्म है, अभी हाथ से नहीं छू पा रहे हैं। इस तरह से चम्मच से चेक करेंगे, देखिए ये टूट जा रहा है, यानी हमारा मुरब्बा पक चुका है। अब इसे ढककर और 2-3 घंटे इसी तरह से छोड़ देंगे। गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक साइड में रख देते हैं। तो अब 3 घंटा हो चुके हैं, तो अब हम चाशनी को चेक करेंगे, देखेंगे कि चाशनी हमारी कैसी है। तो देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है चाशनी की। यदि हमारी चाशनी इससे पतली होती तो गैस पर 1-2 मिनट और पका लेते। यदि हमारी चाशनी इससे गाढ़ा होती तो 1-2 चम्मच पानी फिर से गर्म करके मिला लेते तो सही हो जाती। लेकिन अभी इसकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे कांच के बर्तन अथवा कोई कांच के जार में जो साफ़ हो उसमें भर लेंगे और हम चाहे तो अभी भी खा सकते हैं मुरब्बा। लेकिन 3-4 दिन के बाद और टेस्टी हो जाएगा मुरब्बा, इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी चाशनी। तो अभी इस बर्तन में निकाल लेते हैं मुरब्बे को, और इस मुरब्बे को 1 बरस से भी ज़्यादा चला सकते हैं। तो आप बनाइए इस तरह से मुरब्बा और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।